क्या अनुज को समझ आ जाएगा माया का प्लान और फिर से थाम लेगा अनुपमा का हाथ। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से अनुज के सामने माया का सच आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अनुपमा की माँ माया के घर पर पहुंची है ये देखकर माया भी खुद हैरान रह गई है। और इसी से पहले अनुज जो है वो अनुपमा का हाथ भी थामता हुआ नजर आने वाला है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है स्टार प्लस के इस धमाकेदार सीरियल में। वही सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से अनुपमा की माँ जो है वो जाकर बा को खूब सुनाती है। वो बा से कहती है कि हमने अनुपमा का सिर्फ और सिर्फ मजाक बना के रख दिया, मैंने भी उसे कभी नहीं सिखाया कि कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, और आप लोगों ने तो उसे बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दिया कि आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसकी हालत के जिम्मेदार वो खुद नहीं बल्कि हम सब हैं। इस बात पर सबके सब जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वनराज भी सबकी शक्ल देखने लगता है। तो वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से अनुज को एक सपना आता है जिसमें अनुपमा उसके पास आती है। अनुपमा जैसे ही अनुज के पास आती है तो अनुज बहुत खुश हो जाता है और अनुज जो है वो भी अनुपमा को अपने पास बिठा लेता है। अनुपमा उसे पकड़ के बैठ जाती है और उसको गले से लगा लेती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे किस तरह से अनुज जो है अनुपमा की ओर हाथ भी बढ़ाता है और अनुपमा उसे संभालती हुई नजर आती है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि अनुज अब भी अनुपमा से बेइंतहा प्यार करता है। तो आज या कल वो दोनों फिर से एक तो होंगे ही, लेकिन कब और कैसे ये तो आगे ही पता चलेगा। तो वहीं आप ये भी देखेंगे किस तरह से जब अनुज सपने से बाहर निकलता है तो वो छोटी अनु से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। इस बात पर छोटी अनु कहती है कि मम्मा तो यहाँ आई ही नहीं थी, हम सब चलते हैं मम्मा के पास। और ये सारी बातें माया जो है सुन रही होती है। वहीं आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से अनुज को अनुपमा की याद आ रही है उसी तरह से अनुपमा जो है वो भी अनुज के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि आप देखेंगे प्रोमो में साफ दिखाया जा रहा है कि अनुपमा की माँ जो है माया के घर पे पहुंच चुकी है। और जैसे ही माया के घर पे वो पहुंची है तो माया को तो तगड़ा झटका लग चुका है। आप देखेंगे कि किस तरह माया जो है उसकी माँ को देख रही है, लेकिन देखने वाली बात ये रही कि किस तरह से अनुज ने हाथ जोड़कर अनुपमा की माँ को कह दिया कि मैं अब अनुपमा के साथ नहीं रह सकता, उसका और मेरा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है, तो इसे क्लोज ही रहने दीजिए, जिसके बाद अनुपमा और सबको झटका लगने वाला है। वह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि माया का प्लान इस तरह ही सक्सेस होता रहेगा या बीच में कोई बड़ा बदलाव आएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।